नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे बद्रीनाथ धाम के बारे में, बद्रीनाथ से जुड़ी कुछ रोचक बातें जो शायद ही आप लोग जानते होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बद्रीनाथ मंदिर को बद्री नारायण मंदिर भी कहा जाता है, जो अलकनंदा नदी के किनारे उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यह मंदिर भगवान विष्णु के रूप बद्रीनाथ को समर्पित है। यह हिंदुओं के चार धाम में से एक धाम है। ऋषिकेश से यह 294 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर दिशा में स्थित है। ये पंच बद्री में से एक बद्री भी है। उत्तराखंड में पंच बद्री, पंच केदार और पंच प्रयाग पौराणिक दृष्टि से और हिंदू धर्म की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बद्रीनाथ धाम चार धामों में से एक है। इस धाम के बारे में ये कहावत है कि जो जाए बद्री वो ना आए ओद्री, यानी जो व्यक्ति बद्रीनाथ के दर्शन कर लेता है उसे पुनः माता के उदर यानी गर्भ में फिर नहीं आना पड़ता। शास्त्रों में बताया गया है कि मनुष्य को जीवन में कम से कम एक बार बद्रीनाथ के दर्शन जरूर करने चाहिए। बद्रीनाथ के चरण पखारती है अलकनंदा। सतयुग तक यहाँ पर हर व्यक्ति को भगवान विष्णु के साक्षात दर्शन हुआ करते थे। त्रेता में यहाँ देवताओं और साधुओं को भगवान के साक्षात दर्शन मिलते थे। द्वापर में जब भगवान श्री कृष्ण रूप में अवतार लेने वाले थे, उस वक्त भगवान ने ये नियम बनाया कि अब से यहाँ मनुष्यों को उनके विग्रह के दर्शन होंगे। बद्रीनाथ को शास्त्रों और पुराणों में दूसरा बैकुंठ कहा जाता है। एक बैकुंठ क्षीर सागर है जहाँ भगवान विष्णु निवास करते हैं, और विष्णु का दूसरा निवास बद्रीनाथ है जो धरती पर मौजूद है। बद्रीनाथ के बारे में ये भी माना जाता है कि ये कभी भगवान शिव का निवास स्थान था, लेकिन विष्णु भगवान ने इस स्थान को शिव से मांग लिया था। चलिए अब जानते हैं कि चार धाम यात्रा में हमें किस किस के दर्शन होते हैं। चार धाम यात्रा में सबसे पहले गंगोत्री के दर्शन होते हैं। यह है गोमुख, जहाँ से माँ गंगा की धारा निकलती है। इस यात्रा में सबसे अंत में बद्रीनाथ के दर्शन होते हैं। बद्रीनाथ धाम दो पर्वतों के बीच बसा है। इसे नर नारायण पर्वत कहा जाता है। कहते हैं यहाँ पर भगवान विष्णु के अंश नर और नारायण ने तपस्या की थी। नर अगले जन्म में अर्जुन और नारायण श्री कृष्ण हुए थे। बद्रीनाथ की यात्रा में दूसरा पड़ाव यमुनोत्री है। यह है देवी यमुना का मंदिर। यहाँ के बाद केदारनाथ के दर्शन होते हैं। मान्यता है कि जब केदारनाथ और बद्रीनाथ के कपाट खुलते हैं, उस समय मंदिर में एक दीपक जलता रहता है। इस दीपक के दर्शन का बड़ा महत्व है। मान्यता है कि 6 महीने तक बंद दरवाजे के अंदर इस दीप को देवता जलाए रखते हैं। जोशीमठ स्थित नृसिंह मंदिर का संबंध बद्रीनाथ से माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर में भगवान नृसिंह की एक बाजू काफी पतली है। जिस दिन ये टूट कर गिर जाएगी, उस दिन नर नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे और बद्रीनाथ के दर्शन वर्तमान स्थान पर नहीं हो पाएंगे। बद्रीनाथ तीर्थ का नाम बद्रीनाथ कैसे पड़ा, ये अपने आप में एक रोचक कथा है। कहते हैं एक बार देवी लक्ष्मी जब भगवान विष्णु से रूठकर मायके चली गई, तब भगवान विष्णु यहाँ आकर तपस्या करने लगे। जब देवी लक्ष्मी की नाराजगी दूर हुई तो वो भगवान विष्णु को ढूंढते हुए यहाँ आई। उस समय यहाँ बद्री का वन यानी बेड़ फल का जंगल था। बद्री के वन में बैठकर भगवान ने तपस्या की थी, इसलिए देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को बद्रीनाथ नाम दिया। बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर की दूरी पर माणा गांव में स्थित सरस्वती नदी के उद्गम पर
सरस्वती मंदिर स्थित है। सरस्वती नदी अपने उद्गम से महज कुछ किलोमीटर बाद ही अलकनंदा में विलीन हो जाती है। कहते हैं कि बद्रीनाथ भी कलयुग के अंत में वर्तमान स्थान से विलीन हो जाएगी और इनके दर्शन नए स्थान पर होंगे जिसे भविष्य में बद्री के नाम से जाना जाता है। और फिर आता है बद्रीनाथ का भव्य नजारा। मान्यता है कि बद्रीनाथ में भगवान शिव को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिली थी। इस घटना की याद दिलाता है वो स्थान जिसे आज ब्रह्म कपाल के नाम से जाना जाता है। ब्रह्म कपाल एक ऊंची शिला है जहां पितरों का तर्पण श्राद्ध किया जाता है। माना जाता है कि यहां श्राद्ध करने से पितरों को मुक्ति मिलती है। बद्रीनाथ के पुजारी शंकराचार्य के वंशज होते हैं जो रावल कहलाते हैं। यह जब तक रावल के पद पर रहते हैं इन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। रावल के लिए स्त्रियों का स्पर्श भी पाप माना जाता है।